हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे कनेक्ट दिव्यज्ञान चैनल में। और इस प्रोग्राम में हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका नाम है नाम अपराध। देखिए, भगवान का नाम लेना बहुत ही जरूरी है और उसको श्रद्धा से लेना और भी जरूरी है। और भगवान का नाम लेना जितना जरूरी है, श्रद्धा से लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी नाम अपराध के बिना भगवान का नाम लेना। देखिए, भगवान का नाम जब हम लेते हैं और अपराध भी करते हैं तो फिर वो नाम जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना, वो कृपा कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें नाम अपराध से बचना चाहिए। और नाम अपराध से बच के जब हम हरि नाम करते हैं, भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं, तो भगवान की नाम हमारे ऊपर अशेष कृपा करती है। तो आज जानते हैं हमारे जो पांचवा नाम अपराध है वो क्या है। देखिए, जब हम गुरु धारण करते हैं, जब गुरु जी के बात मानने लगते हैं, उनकी दिखाए हुए मार्गदर्शन से हम भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं, और भक्ति जो धीरे धीरे ऊंचाई के स्तर पे चलने लगता है, तो हमें ये सब का ध्यान भी रखना चाहिए, शुद्धता का। तो एक तो शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, जब हम नाम उच्चारण कर रहे हैं तो मंत्र जो है ठीक तरह से बोले, वो भी एक बहुत बड़ा काम है हमारा। ऐसे ही जैसे तैसे नाम बोल देना, ठीक है, वो तो शुरू शुरू में ठीक है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ता है आपका नाम उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए और नाम अपराध से बच के हमें हरि नाम करना चाहिए। तो पांचवा नाम अपराध जो है वो ये है कि हरि नाम की जो महिमा है उसके ऊपर संदेह करना। अगर कोई हरि नाम कर रहे हैं और उनके ऊपर भगवान और नाम प्रभु और भक्ति देवी सबकी कृपा बनी रहती है, और हम अगर सोचे कि ये नाम जो कर रहे हैं ये तो बेकार है, ये तो ये है, ऐसे अगर कुछ सोचते हैं तो हमारे ऊपर लगता है बहुत बड़ा अपराध। तो ये हमें सोचना ही नहीं चाहिए। और भगवान जो है, भगवान के बारे में शास्त्रों में लिखा है, भगवत नाम जो है स्वयं श्री कृष्ण के समान है। भगवत नाम जो है शास्त्रों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के समान है, मतलब भगवान का नाम और भगवान जो है बिल्कुल समान है। और इस संदर्भ में क्या लिखा है, पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिन। अर्थात पूर्ण सिद्ध मतलब भगवान की तरह नाम भी पूर्ण है, स्वतः स्फुरित है। और नित्य मुक्त अर्थात नित्य मुक्त का मतलब है पूर्ण स्वतंत्र है। जैसे भगवान स्वतंत्र है, ऐसे ही भगवान का नाम भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो भगवान और उनके नाम अभिन्न है, मतलब अलग नहीं है, एक ही है। और हरि नाम की जाप समान ना कोई व्रत है, ना कोई तप है, ना कोई योग है, ना कोई ध्यान है, ना कोई कार्य है। तो हरि नाम जो है अपने आप में बहुत ही स्वतंत्र चीज़ है और बहुत ही अभिन्न है भगवान से, और बहुत ही कृपा करने वाला चीज़ है। शास्त्र में हमारे भगवान नाम के बारे में बहुत बातें लिखे हैं, और इसके ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारा जो शास्त्र है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है, और उसी शास्त्र के ऊपर हम कभी अगर उसको काल्पनिक सोचते हैं, या उसमें जो नाम के बारे में महिमा लिखा है उसको अगर काल्पनिक समझते हैं या सच नहीं है ऐसे लगता है, तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है और ये हमारा पांचवा नाम अपराध में जाता है। पवित्र भगवान नाम, भगवत नाम जो है कृपा करने के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है। इसीलिए कोई भी चीज़ उसको अत्युक्ति करके नहीं बोला जा सकता है। तो शास्त्र में जो नाम की महिमा के बारे में लिखा है वो बिल्कुल सच है, और उसको प्रामाणिक मान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कर्म कांड है, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड के अंदर मनुष्य को लालायित करने के लिए या थोड़ा सा उसमें लोभ दिखा के कर्म कांड में इंसान के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ ना कुछ प्रलोभन किया गया है, दिया गया है,
ताकि इंसान जो है उसका रुचि आए उसमें। लेकिन भक्ति और नाम जप और नाम जप से उत्पन्न भक्ति, उसके अंदर किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं है। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाम जप से बड़ा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। नाम जप का महिमा शास्त्र, गुरु एवं साधु ही जान सकते हैं, और हमारे लिए नाम तो अचिंत्य है। नाम की महिमा के बारे में जानने के लिए, नाम की महिमा और नाम की कृपा जानने के लिए नाम के ऊपर एक बार आश्रित होके देखना चाहिए। देखिए, जब नाम के ऊपर आश्रित होके हरि नाम करने लगते हैं, तब थोड़े ही दिन में पता चलता है कि नाम का क्या महिमा है, और आपका जो आत्म साक्षात्कार और आत्मरति स्वतः ही हो जाता है। और नामाभास मात्र से ही व्यक्ति को अपनी कर्मों का और उसकी फल का ज्ञान होने लग जाता है। ऐसे ही जब शुद्ध नाम का महिमा का तो कल्पना ही करना बहुत मुश्किल है। शुद्ध नाम जो है ना, इतना कृपा करते हैं कि उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो नाम अपराध है, पांचवा नाम अपराध, इससे बचने का क्या उपाय है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हरि नाम चिंतामणि में लिखा है कि जो नाम के महिमा के को काल्पनिक समझता है या नाम के महिमा के ऊपर संदेह करता है, उसको तो नरकगामी होना पड़ता है। अब उस तरह की व्यक्ति अगर हमें कहीं मिल जाए तो उसका संग करना तो दूर की बात है, उसका संग त्याग करो और खुद को वस्त्र सहित गंगा में नहाना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। देखिए, जो नाम को नहीं मानता, नाम की महिमा को नहीं मानता, वो बहुत बड़ा अपराधी है। स्वयं भगवान को नहीं मानता, समझ लीजिए आप। तो इसीलिए उनके बारे में ये लिखा है शास्त्र में, जिस व्यक्ति को नाम के ऊपर संदेह होता है, नाम के कृपा के ऊपर संदेह होता है, उसे ये करना चाहिए कि गुरु के संग ज़्यादा से ज़्यादा करे, और जो भक्त है भगवान के, अच्छे शुद्ध भक्त है, उनके संग करना चाहिए, और भगवान की लीलाओं को, भगवान की गुणों को, ये सब जो है उनके मुँह से ज़्यादा सुनना चाहिए। जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक संदेह हो सकता है, लेकिन ये सब जानने के बाद संदेह कम हो जाता है, नाम के ऊपर अतूट कृपा शुरू हो जाता है। देखिए, जब शुद्ध नाम करने लगते हैं ना, तो नाम प्रभु की ही कृपा जो है हमें और आगे ले जाता है भक्ति में। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो हरि नाम है वो सबसे बड़ी चिंतामणि है। जब वो व्यक्ति नाम और नाम की महिमा के ऊपर संदेह शंका दूर हो जाता है, तब हरि नाम उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं और उसको हरि नाम में रुचि आने लगता है, रस आने लगता है। तो देखिए, अगर भगवत नाम आप कर रहे हो और उसमें आपको रुचि नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नाम अपराध कर रहे हो। तो नाम अपराध से बचो। आपको हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आज जो है पांचवा नाम अपराध बताया। ऐसे हमारे जो शास्त्र में लिखा है 10 नाम अपराध, जब हम इस नाम अपराधों से बचेंगे और हरि नाम करेंगे तो हमारे अंदर शुद्ध नाम का असर होगा, शुद्ध नाम का कृपा होगा, तब हमारी भक्ति बहुत अच्छे से बढ़ेगा और रस आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नया नाम अपराध के साथ, वो है छठा नाम अपराध। तो देखते रहिए, तब तक कनेक्ट दिव्य ज्ञान। हरे कृष्णा।